Didn't even get to cross. So what's up my YouTube, welcome back to my channel and this is Ali Hassan back with another video. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मैजिकल फूड के बारे में जो नॉर्मल फूड की कैटेगरी में नहीं बल्कि सुपर फूड की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. तो चलिए बताता हूँ मैं आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा सुपर फूड फ्लैक्स सीड्स. जी हाँ दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स, इसे हिंदी में अलसी के बीज भी कहा जाता है. अगर मैं इसके सारे बेनिफिट्स बताने बैठूँ तो पता नहीं ये वीडियो कहाँ जाके ख़त्म होगी, लेकिन मैं इसके आपको टॉप बेनिफिट्स बताऊँगा जिससे आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. हुआ ऐसे था कि 8th सेंचुरी में जर्मनी में एक राजा था जिसका नाम था चार्ले मेन, और उसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था. तो उसके डॉक्टर, आई थिंक उन दिनों उन्हें हकीम कहा जाता था, तो उसके डॉक्टर सो कॉल्ड हकीम ने उसे डेली फ्लैक्स सीड्स खाने को कहा. तो राजा ने डेली फ्लैक्स सीड्स लेना शुरू किया और देखते ही स्टार्टेड टू फील बेटर और उसके सारे हेल्थ इश्यूज़ गायब हो गए और विद इन नो टाइम ही वॉज फिट. एंड राजा वॉज रियली शॉक कि यार इतनी सी बीज में इतने सारे बेनिफिट. तो उसने एक लॉ लगा दिया कि उसके राज्य या उसके किंगडम में जितने भी लोग हैं आज से फ्लैक्स सीड्स खाएंगे डेली. तो सोचिए कितना पावरफुल होगा ये सीड. तो चलिए बढ़ते हैं इसके फ़ायदे की तरफ. फ्लैक्स सीड्स कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये आपके हार्ट और आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है और इन्हें प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है. फ्लैक्स सीड्स लोअर्स योर डिप्रेशन, ये आपके डिप्रेशन में बहुत मदद करता है और आपके डिप्रेशन से ओवरकम करने में आपकी हेल्प करता है. ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसे बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन उसे कम करता है, विच लीड्स टू ए गुड हार्ट हेल्थ. ये हार्ट ब्लॉकेज भी रोकता है. जी हाँ गाइज, इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट जो मेरे हिसाब से यही है कि ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को रोकता है, आपके आर्टरीज में बिल्डअप होने वाले प्लैक को कम करता है और बहुत हद तक इसे रोकता है. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके हार्ट तक जो पाइप से ब्लड जाता है तो उसमें ओवर द टाइम एज के साथ चिकनाहट जमा हो जाती है और हमारे खून को हमारे हार्ट तक पहुँचने नहीं देती है, जिसकी वजह से होते हैं हार्ट अटैक. सो फ्लैक्स सीड्स ये चिकनाहट को जमने से रोकता है और आपके दिल तक खून को आसानी से पास देता है. तो सोचिए कितना बेनिफिशियल है ये सीड. ये आपकी वेट लॉस में भी मदद करता है. वो कैसे, सुनिए. फ्लैक्स सीड्स कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर, और आप जब फाइबर खाते हैं तो आपका पेट फुल होता है, आपको खाने की ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है, और आप जब खाने की क्रेविंग ना हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं खाते, कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, एंड कम कैलोरीज लीड्स टू फैट लॉस या वेट लॉस जो भी आप करें. इट कंटेन्स लिगन्स, ये मॉलिक्यूल्स एंटी कैंसर का काम करते हैं गाइस, हमारे बॉडी में कैंसर सेल को बढ़ने से या फैलने से रोकते हैं, और इसका फ़ायदा फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है. फीमेल्स में इसका फ़ायदा 50% से भी ज़्यादा देखा गया है. तो सोचिए फीमेल्स के वास्ते तो ये हमारे से ज़्यादा ही बेनिफिशियल है, और फीमेल्स में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत हद तक ये कम कर देता है. अगर ऐसे ही मैं बोलता जाऊँ तो ये लिस्ट जाते जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी. और हाँ, अब आता है सवाल, इसे लेते कैसे. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लें और इसको पीस के इसका पाउडर बना के आप स्टोर कर लें और डेली अपने मील्स के साथ ऐड करें. जैसे कि अगर आप ओट्स खाते हैं तो उसे ओट्स में ऐड कर लीजिए, आप जूस पी रहे हो जूस में ऐड कर लीजिए, या फिर पानी में भी घोल के पी सकते हैं. और मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को चाय पीने की बहुत आदत है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आप चाय पीते हैं सुबह की चाय में एक स्पून इसका पाउडर डाल के मिला के पी लीजिए, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग गाइस. तो सोचो कितना बेनिफिशियल है ये फूड. और हाँ, अगर आपको ड्राई आइज की प्रॉब्लम है फ्लैक्स सीड्स, अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है फ्लैक्स सीड्स, अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं फ्लैक्स सीड्स, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है फ्लैक्स सीड्स, अगर शाइनी हेयर्स चाहिए फ्लैक्स सीड्स. सो एज आई सेड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन गाइस. सो दैट्स बीन सेड, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले सो डू लाइक माई वीडियो, और जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, और सॉरी जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जाइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहीं कहीं देता हूँ. टिल देन सी यू एट अनदर साइड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय.